होती रहती है, मगर इन चुनाव में क्या कभी क्षेत्र का विकास उस तरह से हुआ है जिस तरह से जनता चाहती है? यह एक सवाल हर बार हर वोटर के मन में आता है, लेकिन कभी सवाल का जवाब मन को संतुष्टि देने वाला नहीं मिला। नगर पंचायत का चुनाव की चर्चा जोरों पर है। छपरा जिले के अखबार नगर पंचायत में सभी चुनाव लड़ने वाले भावी वार्ड पार्षदों ने जनता के बीच अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर दिया है। एकमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से सुरेंद्र शाह ने भी अपने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं। शाह ने बताया, सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं धरातल तक आते आते दम तोड़ देती हैं। जिन गरीबों को उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह अक्सर उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उन योजनाओं का लाभ या तो बड़े लोग ले जाते हैं या फिर उन लोगों के रिश्तेदार जो सत्ता में बैठकर जनता का सिर्फ वोट और पैसा लूटते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 1 के सम्मानित जनता जनार्दन प्रोत्साहित किया है और मैं भी जनता की अदालत में हूँ। जनता ने सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 1 का सर्वांगीण विकास होगा। छपरा जिले के एकमा नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 से हमारे बीच जुड़ रहे हैं सुरेंद्र शाह जी। सुरेंद्र शाह जी यहाँ पर आदिवासी संगठन के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और जदयू के भी आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इस बार वार्ड नंबर 1 से ये वार्ड पार्षद के पद पर भी चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करते आ रहे हैं। हम सुरेंद्र शाह जी से जानने का प्रयास करेंगे, नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है जिससे जनता को लाभान्वित करना है, वर्तमान व्यवस्था में इनके एक नंबर वार्ड का सूरत हाल क्या है, किस तरह का विकास का काम हुआ है और आगे चुनाव में अगर यह उम्मीदवार हैं तो चुनावी मुद्दा क्या है। तो हम पहले इनसे यही जानेंगे कि इस बार आप भी यहाँ से वार्ड नंबर 1 से चुनाव के मैदान में हैं और जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? जी, हमें सुरेंद्र शाह गोड़ आदिवासी प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष है, एकमा के अध्यक्ष है जी। सह जदयू आदिवासी प्रखंड अध्यक्ष एकमा के हैं। मैं जब से इस संस्था से जुड़ा लगभग अस्सी से, तब से मैंने देखा कि हमारे गरीब तबके के लोग जितने व्यक्ति हैं किसी और के द्वारा ठगी का शिकार हो रहे हैं, तरह तरह के इनको आश्वासन दिया जा रहा है, इनको ठगा जा रहा है। तो हमने अपने मन में सोचा कि इनके उत्थान इनके विकास के लिए क्यों न मैं आगे आऊं और इन लोगों के काम को खुद मैं करूं। तो उस समय से इधर साल भर से हमने 110 आदमी का पेंशन से जोड़ दिया, वे लोग लाभ ले रहे हैं और हमको इन लोगों के द्वारा सहयोग मिल रहा है और कह रहे हैं कि आप एक नंबर वार्ड में प्रत्याशी के रूप में आइए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो हमने एक नंबर वार्ड से अपना विचार सब लोगों से जाना, पूछा, समझा और घूमा तो सबका समर्थन मिल रहा है। एक नंबर वार्ड जो है वह दलित पिछड़ा की संख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से इन लोगों के उत्थान के लिए और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने अपने मन में ठाना है कि ये लोग कहीं दूसरे की जगह जो ठगा रहे हैं, बंदरबांट हो रहा है, इन लोगों को पैसे ठगा जा रहा है, इसको रोकने के लिए मैंने एक अपने मन में विचार लेकर आया हूँ। निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर सवाल खड़ा करते हुए सुरेंद्र शाह ने बताया कि सरकार तो कृत संकल्पित है विकास कार्य को करने के लिए, लेकिन आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए। अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही अगर आप तमाम खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही तमाम खबरों को लाइक करें, शेयर करें।